हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जयसवाल नीट जी पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि नीट में कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन लेना कितना टफ हो गया है। आपका सिलेक्शन इस बात पे मैटर करता है कि आपका रिवीजन कैसा है, क्योंकि कहा जाता है आवर सिलेक्शन और रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिवीजन। सो हम आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और 15 इयर्स पीवाईक्यू को कवर करता है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नीट के रिगार्डिंग आपको हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट मिलता रहे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं जिससे नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे फर्स्ट, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसे क्लोन कहते हैं। सेकेंड, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर। जूस्पोर को माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। थर्ड, वाटर हियासिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रिंक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डेट लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिश। वाटर हियासिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, मतलब रुका हुआ पानी में ग्रो करता है और उससे ऑक्सीजन खींच लेता है जिसके कारण मछली की डेथ हो जाती है। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण न्यू जीन का कॉम्बिनेशन एंड फॉर्मेशन होता है जो वेरिएशन क्रिएट करता है। फिफ्थ, अनआइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर। जो गैमेट स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर में डिफर करता है उसे अनआइसोगैमेट कहते हैं। सिक्स, आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, बट जो गैमेट स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर में डिफर नहीं करता है, सिमिलर होता है, उसे आइसोगैमेट कहते हैं। सेवन, क्लैमाइडोडोमनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड अनआइसोगैमी एंड फ्यूकस शो उगैमी। क्लैमाइडोडोमनास अनआइसो और आइसो दोनों शो करता है, लेकिन फ्यूकस उगैमी शो करता है, मतलब उगैमी में फीमेल गैमेट लार्जर होता है मेल गैमेट से, ये याद रखिएगा। एट, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर बेसिकली एक्सिलरी बर्ड, मतलब पोटैटो ट्यूबर की आई को एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। इसे 2005, 2011, 2013 और 2016 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप इंटू एम्ब्रॉय विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस। कुछ प्लांट में फीमेल गैमेट डायरेक्ट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमेना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसे 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कारा के बारे में कुछ देखते हैं। अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रेडियम, ऊपर वाले को उगोनियम बोलते हैं और नीचे वाले को एंथ्रेडियम बोलते हैं, जो लो राउंड होता है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये दोनों सेम प्लांट पे होता है, मतलब एक ही प्लांट होता है, मतलब ये मोनोसियस हुआ। ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड न्यूक्यूल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूल आपका मेल पार्ट हुआ और न्यूक्यूल आपका फीमेल पार्ट हो गया। अब देखते हैं मोनोकार्पिक फ्लावर, डेट फ्लावर्स ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब वो ऐसा फ्लावर जो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही फुलाता है उसे मोनोकार्पिक फ्लावर बोलते हैं, जैसे बम्बू बांस के स्पेसीज होते हैं। आपको इसी साथ कुछ रॉन्ग वो ऑप्शन भी दिया जाएगा, जैसे जैक फ्रूट, पपाया और मैंगो, ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसे 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट रिक्वायर वाटर। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में लोअर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके साथ आपको और रॉन्ग ऑप्शन दिया जाए, जैसे विंड हुआ, इंसेक्ट बर्ड, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसे 2015 और 2016 दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ऑफसेट सच एज पिस्तिया एंड इकोर्निया प्रोड्यूस्ड बाई माइटोटिक डिवीजन नॉट बाई मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पिक। ऑफसेट जैसे पिस्तिया और इकोर्निया, ये माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होता है, मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पिक से नहीं। इसे 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखते हैं कौन कौन है, ककम्बर, पपाया और डेट पाम, इसे याद रखिएगा, 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन स्पाइरोगैरा। आइसोगैमस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट आइसोगैमस में स्पाइरोगैरा में पाया जाता है, लेकिन आइसोगैमेट विथ फ्लैजिलेटेड गैमेट अगर पूछा जाए तो हो जाएगा क्लैडोफोरा, इसे याद रखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू इन ओनियन बाई बल्ब जिंजर एंड गार्लिक राइजोम वाटर हियासिंथ ऑफसेट ग्रास रनर मिंट
एंड जैस्मिन सकर। इसे याद रखिएगा, 2012, 9, 15 और 16 में क्वेश्चन चार बार पूछा जा चुका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। इनसाइड अ मैच्योर सीड एम्ब्रियो इज द प्रोजेनिटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। एम्ब्रियो को ही नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनिटर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट मतलब डिप्लोइड यानी 2n। जैसे ऑर्गेनिज्म का नाम दिया ह्यूमन विंग्स, इसमें क्रोमोजोम नंबर 46 होता है, हाउस फ्लाई में 12, रैट में 42, डॉग में 78, कैट में 38, फ्रूट फ्लाई में 8, ऑफियोग्लोसो में 1260, एप्पल में 34, राइस में 24, मेज में 20, पोटैटो में 48, बटरफ्लाई में 380, ओनियन में 16। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है, तो पहले जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम मियोसाइट में दिया उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जैसे 8, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 4, 24, यहाँ तक लिख लिए, फिर 34, 38, 42, 46, 48, 78, 308, 1260, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। उसके बाद उसके सामने ऑर्गेनिज्म का नाम लिख लेंगे, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, ओनियन, मेज, राइस, एप्पल, कैट, रैट, ह्यूमन, पोटैटो, डॉग, बटरफ्लाई, ऑफियोग्लोसम को फर्न बोलते हैं। अब इसको निमोनिक्स क्या है, इसको ट्रिक क्या है याद रखने का, जैसे इधर से याद करेंगे फ्रूट फ्लाई से लेकर ऑफियोग्लोसम तक, तो याद करने का ट्रिक है फुल एंड फाइनल हो OMR, मतलब फुल एंड फाइनल का मतलब हुआ फ्रूट फ्लाई, हो का मतलब हाउस फ्लाई, और ओ का OMR का मतलब हुआ ओनियन, एम से मेज, आर से राइस, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसके बाद लिखेंगे फुल एंड फाइनल हो OMR जिसमें एक करेक्ट है, ए से एप्पल, सी से कैट, आर से रैट, एच से ह्यूमन, एक करेक्ट है परंतु डी बी ऑप्शन गलत है, परंतु पी से पोटैटो, डी से डॉग, बी से बटरफ्लाई, और ऑप्शन से ऑफियोग्लोसम, गलत से कुछ नहीं। ऐसे याद रखने का निमोनिक्स हो गया फुल एंड फाइनल हो OMR जिसमें एक करेक्ट है परंतु डी बी ऑप्शन गलत है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमेट होता है, मतलब दो अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट मेल गैमेट जिसको एंथ्रोजॉइड और स्पर्म दोनों कहते हैं, एंथ्रोजॉइड प्लांट में और स्पर्म वुमन में बोलते हैं, और दूसरा होता है फीमेल गैमेट जिसको एग और ओवम कहा जाता है। आगे चलते हैं, होमोथैलिक और मोनोसियस प्लांट बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करता है, और दूसरा हेट्रोथैलिक और डायोसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल कंडीशन शो करता है, इसको याद रखिएगा। अब कारा का डायग्राम देखते हैं, यह है कारा, मोनोसियस प्लांट इसको बोलते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में होता है। अब ऊपर देखिए उसको बोलते हैं उगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको न्यूक्यूली बोलते हैं, और नीचे वाला होता है एंथ्रेडियम जो राउंड होता है, और ग्लोब्यूल और मेल सेक्स ऑर्गन इसको बोलते हैं। इस डायग्राम को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है इसको। अब गैमेट के बारे में देखते हैं थोड़ा, गैमेट बेसिकली हैप्लोइड सेल को कहते हैं, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होमोगैमेट और दूसरा हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट मतलब एक ही प्रकार के गैमेट होता है, सेम साइज सब एक साइज, उसको आइसोगैमेट भी बोलते हैं। दूसरा होता है हेट्रोगैमेट जो अलग अलग होता है गैमेट, जैसे मेल गैमेट हुआ, फीमेल गैमेट हुआ। मेल गैमेट को स्पर्म और एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम और एग बोला जाता है। अब सेल डिवीजन देखते हैं और उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम में होता है, बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में होता है, मल्टीपल फिजन अमीबा में होता है, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगैरा में होता है, इसे याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब लाइफ स्पेन देखते हैं, जैसे बटरफ्लाई का 1 to 2 weeks होता है, फ्रूट फ्लाई का 1 month होता है, राइस प्लांट का 3 to 4 months होता है, रोज का 5 to 7 years होता है, क्रो का 15 years होता है। अब काऊ, डॉग और बनाना ट्री, ये तीनों का 25 years होता है, और क्रोकोडाइल का, हॉर्स का और एलिफेंट का, ये तीनों का अप्रोक्स 60 years होता है, टर्टोवाइज का 100 to 150 साल होता है, बनाना ट्री का 200 to 300 years होता है, पैरोट का 140 years होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।